फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो या इवनिंग, नाश्ता हो या स्नैक्स, चाय के साथ शाम के टाइम सबसे बढ़िया टी टाइम एंजॉय करने के लिए आज मैं बना रही हूँ सिर्फ 4 आलू से बहुत ही अच्छा स्नैक्स। तो यहाँ पे देखिए कितना लजीज, कितना टेस्टी ये दिख रहा है, देखने में लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और मैंने इसे बनाया सिर्फ 4 आलू के साथ। तो यहाँ पे देखिए जो नाश्ता है ऑलरेडी बहुत ही ऊपर से कुरकुरा अंदर से सॉफ्ट है, इसे आप टी टाइम इंजॉय कर सकते हैं, कॉफी के साथ, चाय के साथ, घर पे आए मेहमानों को भी खिला सकते हैं। तो कम चीजों के साथ बना के तैयार करें आलू के इस नाश्ते को और इंजॉय करें। और चैनल पे न्यू वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी आलू का स्नैक्स। शाम के टाइम चाय के साथ आप इसे एंजॉय करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और ये स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 आलू लिए हुए हैं। आलू को मैंने पहले ही बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब फटाफट से हम इसका छिलका निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आलू को छील लिया है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है जिसमें हम एक मीडियम साइज का कद्दूकस लिए हैं छोटा वाला। अब आलू को हम क्रश करेंगे। आलू में बिल्कुल भी घुट्टे नहीं होने चाहिए। ये जो मैं स्नैक्स बना रही हूँ ये बहुत टेस्टी बनता है और थोड़ा इसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बन जाता है। तो आलू को इस तरीके से क्रश करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ आलू को क्रश कर लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और आलू तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। या ये रहा, आलू में बिल्कुल भी गुट्टे नहीं हैं, सब मैंने इसे क्रश कर लिया है। ये थोड़ा सा कटा धनिया, प्याज और कटा धनिया मैंने डाल दिया। और मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ हरा मिर्च और आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप और मिर्ची डाल सकते हो। और यहाँ मैंने तीखा वाला लाल मिर्च लिया है एक चम्मच। मैं यहाँ डाल रही हूँ फ्रेंड्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना पसंद हो। और एक फुल चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे पानी पूरी का मसाला एक चम्मच। अगर आपके पास आमचूर हो तो आप डाल सकते हो। और यहाँ मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, ये बहुत ही कंपलसरी है इस ब्रेकफास्ट में। और एक चम्मच मैं डालूंगी ग्रीन चिली सॉस और इसमें 2 चम्मच के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ जिससे ये थोड़ा चिकनाहट इसमें ज़्यादा रहे। और फ्रेंड्स, 2 चम्मच में मैदा डाल रही हूँ, मैदा बाइंड के लिए मैं डाल रही हूँ जिससे कि जो हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे उसकी बाइंड अच्छी हो। अब मैंने सभी चीज़ों को इसमें डाल लिया है, अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। थोड़ा बाउल छोटा है, थोड़ा संभल के मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक गया है। तो आप अभी टेंशन में ना आए, इसे कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ। मैं थोड़ा सा हाथों में ऑयल डालूंगी 2 से 3 चम्मच के करीब। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ऑयल लिया है और हाथों में ऐसे लगा लेंगे और सारे जो मैंने मसाले बनाए हैं इसको इस तरह से देखिए हाथों से निकलना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ एक प्लेट लिया हुआ है, इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच जितना और इसे फटाफट से पूरे प्लेट को ग्रीस कर लेंगे हाथों से या ब्रश से, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। और जो मैंने ये बना के रखा है इसको हम थोड़ा सा इस पे लेंगे
और लेने के बाद इसे हाथों से हल्का हल्का इस तरह से, और इसी तरह से हाथों से इस तरह से लंबा शेप दे देंगे। और आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कर सकते हो, बड़ा छोटा जैसा आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ इस तरीके से बना लिया है, अब इसे हम छोटा छोटा इस तरह से तोड़ के और हाथों पे ऑयल लगा के अपने हिसाब से बड़ा छोटा बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से थोड़ा फटाफट जल्दी हो जाता है और कंफर्टेबल भी रहता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बॉल्स बना लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं इसे फ्राई करने। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके बॉल्स को डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे इसे हम फ्राई नहीं कर सकते हैं। और मैंने लोखन की कढ़ाई ली है फ्राई करने के लिए। आप स्टील की फ्राई में करेंगे तो काफ़ी चिपकेगा और इसे निकालने में प्रॉब्लम्स होगी। थोड़ी देर इसको एक साइड सिकने देते हैं अच्छे से। इसे हम अब पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए फटाफट से इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आप ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं तो आप टिश्यू पेपर पे इसे ऑयल को हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह मैंने नाश्ते को बना के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट हुआ है ये। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।